So hey guys, welcome back to IndianCoding.com. I hope previous सारे lectures आप सबको clear होंगे और आपने practice भी की होगी. So आज के lecture में हम class का inheritance के बारे में पढ़ेंगे JavaScript के. So HTML का startup template लिख लेते हैं. So JavaScript class inheritance. कंट्रोल ऐसे इनहेरिटेंस का मतलब पता ही होगा, जैसे कोई भी एक चाइल्ड एलिमेंट जब पेरेंट एलिमेंट की क्वालिटी को अपने अंदर लेता है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. जैसे कि कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स की क्वालिटी जो जैसा दिखता है या वैसा दिखाता है तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं. तो पहले एक क्लास बना लेते हैं, क्लास कार कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आर्गुमेंट दे दूंगा ब्रांड, तो और यहां दे दूंगा दिस डॉट कार नेम इज इक्वल टू ब्रांड. और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक प्रेजेंट मेथड भी लगाऊंगा. प्रेजेंट यहाँ पे रिटर्न करना होगा, जो रिटर्न करना होता है वो प्रेजेंट में लिखते हैं. तो रिटर्न आई हैव अ देन दिस डॉट कार नेम. कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे, देन एक बार कंसोल डॉट लॉग चलो बाद में करेंगे. अब मैं क्या करूंगा, क्लास एक और क्लास बनाऊंगा मॉडल एक्सटेंड्स, यानी कि ना एक्सटेंड्स, क्योंकि यहाँ मॉडल क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी तो वह यहाँ पे लिखना पड़ता है एक्सटेंड. कार नेम, कार यहाँ पे मैं सी कैपिटल लिखूंगा, सी कैपिटल. क्लास का नेम कैपिटल लिखना चाहिए, तो मॉडल क्लास का भी एम कैपिटल. कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रांड मॉड. सुपर, सुपर क्या करता है मैं आपको बताता हूं. सुपर मेथड रेफर्स टू प्रेजेंट क्लास, पेरेंट क्लास. पेरेंट क्लास को रेफर करता है सुपर मॉडल. जब हम सुपर मॉडल को कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर, हम पेरेंट मेथड के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे हैं टू गेट इट्स पेरेंट्स प्रॉपर्टीज. पेरेंट क्लास मतलब पेरेंट क्लास कौन सी है, कार. तो सुपर लिखा है यहाँ, सुपर के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रांड, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ब्रांड चाहिए. देन यहाँ लिखेंगे शो, जैसे ऊपर प्रेजेंट लिखा था यहाँ शो लिखेंगे. रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट, क्योंकि ऊपर वाली क्लास को हम रेफर कर रहे हैं तो दिस डॉट प्रेजेंट लिखा. इट इज अ या क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, बट पहले यहां मैं वो लिखना भूल गया, दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल. यह क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक क्लास कार बनाई, कंस्ट्रक्टर लिखा इसके अंदर, दिस डॉट कार नेम इज इक्वल टू ब्रांड, क्योंकि हम कार का नेम जनरली ब्रांड से ही लेते हैं, इसलिए मैंने यहां ऐसा लिख दिया. देन ये प्रेजेंट मेथड क्या रिटर्न करेगा, आई हैव दिस डॉट कार नेम. देन मॉडल मेथड कार को इनहेरिट कर रहा है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ले रहा है, ये भी वो डिस्प्ले कर सकता है सब कुछ. तो यहाँ कंस्ट्रक्टर एक और बनाया, ब्रांड कॉमा मोड, मोड मतलब मॉडल. तो दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू मोड आएगा यहाँ पे. और सुपर ब्रांड क्या कर रहा है, यहाँ सुपर ब्रांड लिख लें या दिस डॉट कार नेम इज इक्वल टू ब्रांड लिख लें, एक ही बात है, तो वो उसको इनहेरिट कर रहा है. और शो का क्या कर रहा है, जो यहाँ प्रेजेंट कर रहा था, एक तो रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट, वो इस पूरे चीज को रिटर्न करेगा एक तो. Then it is a dash model, वो मॉडल को भी रिटर्न करेगा. यहाँ एक कॉमा भी लगा देते हैं इसके पहले. अब मैं नीचे करूंगा, let
माय कार इज इक्वल टू न्यू. अब मैं मॉडल के अंदर ही सब कुछ लिख सकता हूँ क्योंकि मॉडल उसको इनहेरिट कर रहा है. लिखूंगा BMW, देन मॉडल लिखूंगा M5 BMW का एक मॉडल होता है कार का. अब मैं क्या करूंगा, कंसोल. आप इसको डॉक्यूमेंट पे भी दिखा सकते हैं बाय डूइंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, बट अभी मैं यही कंसोल में दिखा दूंगा माय कार. तो चलिए कंसोल में चलते हैं, इंस्पेक्ट कर लेंगे. कंसोल में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं मॉडल कार नेम और मॉडल दोनों चीज आ चुकी है. अगर हमें शो करना है तो हम पूरा शो जो मैंने लिखा है वो देखना है. शो तो लिखना पड़ेगा डॉट शो. ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए आई हैव अ BMW, इट इज अ M5. सो आई होप यू गॉट दिस इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है. हम इसके अंदर गेट और सेट भी का मेथड यूज कर सकते हैं बट वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा अभी तक आपके लिए. सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स आई एक्सप्लेन्ड इन दिस लेक्चर. स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी you can put that in Q&A section. Thank you.